हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल मेट्रो इलेक्ट्रो। आप जानते हैं वाईफाई का सिग्नल कितना खतरनाक है और कितना हानिकारक है हम लोगों के लिए, और ये भी जानते हैं क्या वाईफाई से कितना फ्रीक्वेंसी निकलता है, मतलब रेडिएशन कितना निकलता है। और ये वाईफाई बच्चों के लिए बहुत ही हानिकारक है, और नहीं जानते हैं तो प्लीज मेरा ये वीडियो लास्ट तक देखिए, आपको समझ जाएंगे जो वाईफाई का रेडिएशन हम लोगों के लिए कितना खतरनाक है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले आपको जानना होगा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जो फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करता है वो दो तरफ से फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस करते हैं, एक आयोनाइजिंग और एक नॉन आयोनाइजिंग। आयोनाइजिंग पार्ट में पड़ता है जो डिवाइस ज्यादा रेडिएशन प्रोड्यूस करता है, जैसे माइक्रोवेव, एक्सरे, गामा रे एक्सेट्रा। और नॉन आयोनाइजिंग पार्ट में पड़ता है जो डिवाइस का रेडिएशन बहुत ही कम है, जैसे ब्लूटूथ स्पीकर, ब्लूटूथ हेडफोन, वाईफाई राउटर एक्सेट्रा। लेकिन मजे की बात यह है, वाईफाई राउटर का फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव ओवन का फ्रीक्वेंसी सेम है, 2.4 गीगाहर्ट्ज। वाईफाई राउटर का भी 2.4 गीगाहर्ट्ज और माइक्रो ओवन का भी सेम टू सेम है। और माइक्रोवेव ओवन यूज किया जाता है खाना पकाने के लिए और खाना गर्म करने के लिए, और सेम फ्रीक्वेंसी राउटर में यूज होता है डाटा ट्रांसफर करने के लिए। अब ये समझ लीजिए, जो फ्रीक्वेंसी खाना पकाने के लिए यूज हो रहा है सेम फ्रीक्वेंसी यूज हो रहा है डाटा ट्रांसफर करने के लिए, और वो डिवाइस आपका घर पे 24/7 जब चलता है ना, तब आप सोचिए आपका बॉडी टेम्परेचर कितना हाई करता है। लेकिन रियलिटी में ये नहीं होता है। वाईफाई राउटर को यूज करना तब तक सेफ है जब तक आप ये राउटर को डिस्टेंस पे रखा है, और मैक्सिमम गलत ये करता है जहाँ पे सोते है वहाँ पे राउटर को इंस्टॉल करता है। आपका ये वाईफाई राउटर नजदीक से यूज करने के बाद क्या क्या प्रॉब्लम हो सकते हैं, आपका ट्यूमर हो सकता है, आपका ब्रेन का जो टिश्यू है वो खराब हो सकता है, और डीएनए का जो स्ट्रक्चर है ये भी चेंज हो सकता है, और कैंसर हो सकता है कि नहीं, ये एक्चुअली कन्फ्यूजन का एक जगह है। क्योंकि कोई कोई साइंटिस्ट ये मानता है जो ज़्यादा फ्रीक्वेंसी का कारण कैंसर होता है, कोई कोई मानता है जो ये फ्रीक्वेंसी का कारण कैंसर नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन है। ये मॉडर्न दुनिया में इंटरनेट के बिना कुछ नहीं होता है, खाना से शुरू करके एंटरटेनमेंट तक सब कुछ इंटरनेट से होता है। आप लोगों को ऐसे टिप्स बताऊंगा जो टिप्स आप मान के चलेंगे तो आप अपने फैमिली को वाईफाई राउटर का साइड इफेक्ट से बचा सकते हैं। टिप्स नंबर 1, आप जहाँ पे सोते हैं वहाँ पे आप वाईफाई राउटर को इंस्टॉल मत कीजिए। टिप्स नंबर 2, जहाँ पे आप ज्यादा टाइम बिताते हैं वहाँ से थोड़ा डिस्टेंस पे आपका वाईफाई राउटर को इंस्टॉल कीजिए। टिप्स नंबर 3, सोने का टाइम पे आपका वाईफाई राउटर को बंद करके जरूर रखिए। टिप्स नंबर 4, जिस टाइम पे आप इंटरनेट यूज नहीं कर रहे हैं तो इस टाइम पे आप वाईफाई राउटर को बंद करके रखिए। और रात में तो आपका वाईफाई राउटर को बंद करना ही चाहिए, क्योंकि सोने का टाइम पे आपका इंटरनेट चलेगा तो आप मोबाइल पे ज्यादा टाइम आप बिताएंगे और आपका नींद खराब हो जाएगा, और ऊपर से वाईफाई राउटर का रेडिएशन, तो दो तरफ से आपका साइड इफेक्ट हो रहा है। मेरा नेक्स्ट वीडियो होने जा रहा है एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर, माइक्रोवेव ओवन और राउटर में सेम फ्रीक्वेंसी यूज होने के बाद भी माइक्रोवेव में हीट प्रोड्यूस क्यों होता है और राउटर में क्यों नहीं होता है। तो ये वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, और नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं। बाय।